क्या नाम है आपका, कौन सा वार्ड है, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हो आप? मेरा नाम सुखराम डागर है जी, और मैं जिला पार्षद का वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ रहा हूँ। कितने गांव आते हैं? मेरे 24 गांव आते हैं इस जिला परिषद वार्ड नंबर 4 में। चुनाव काफी सालों बाद हो रहे हैं, 2 साल का टाइम पीरियड रहा है, तो कैसे टाइम काटा आप लोगों ने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, समय पर होते तो समय पर लड़ते, जैसे जैसे जो दिक्कतें रही वो सब क्लियर हो गए, अब चुनाव का समय आ गया, आज नामांकन किया है और आराम से चुनाव लड़े। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ोगे? अपनी जगह पे ठीक लगे, कोई भ्रष्टाचार ना हो, और ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकूं। मेरा जो मेन मुद्दा है कि गली गिरारे गली रास्ते तो MLA और सरपंच बनवा देते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा जिला परिषद तरफ से तो गांवों में बड़ी स्क्रीन लगा करके और दिल्ली से कोचिंग सेंटरों से उसे कनेक्ट करा के और वो उसकी फीस जिला पार्षद के खाते से दी जाए, ऐसी मेरी सोच है। यदि मैं कामयाब हुआ तो युवाओं के लिए एक हर गांव में कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करने का मेरा उद्देश्य है। देखो जो बोर्ड है जिला परिषद का, उसमें हमको अधिकार होगा, हम उसके मेंबर होंगे और हम उसमें संविधान चेंज कर सकते हैं आराम से। जब हमें अधिकार दिया है बोर्ड ऑफ मेंबर का, तो हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे और चेंजमेंट करेंगे, बाजार रास्तों को, एजुकेशन को, हम किस तरह से उसमें हम आपकी ई लाइब्रेरी खुलवाने का काम करेंगे और कोचिंग व्यवस्था की मेरी मुख्य मुद्दा रहेगा। इस बार आप मुद्दे उठाएंगे तो जातिवाद भी इस बार? नो, मेरा जो मतलब साफ है, मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और 36 बरादरी में विश्वास रखता हूँ, कोई जातिवाद का इस तरह का कोई जहर नहीं है। आज मेरे साथ माउंटेन भी आए हैं, पंडित भी आए हैं, जाट भी, 36 बरादरी के लोग मेरे फार्म भराने के लिए आए हैं, और कुछ ऐसे ऐसे लोग आए जो कभी जीवन में MLA के फार्म भराने के लिए तो आए, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा कि हम पार्षद के लिए आज हम आपके साथ फार्म भराने के पहली बार आए। ऐसा कहा जा रहा है कि JJP से आप जुड़े हो, तो JJP के खिलाफ है किसान ग्रामीण अंचल? ना, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं है, मैं JJP से जुड़ा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्ता के साथ ही रह करके जनता की जो मूलभूत सुविधा दी जा सकती है, उनकी कोई दिक्कत है उसका निवारण सत्ता से ही किया जाता है, इसलिए तो राज बनते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।